तो हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के कारण पर ऑन एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सियल लाइन क्या होती है ऑफ ए डाइपोल। तो अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है, और इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और पोल की स्ट्रेंथ मान लेते हैं हम एम है, और यहाँ पे तो दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसको लेंगे 2a, और इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। और ये जो पॉइंट रहेगा ये आ जाएगी इसकी एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन में दोनों पोल्स का मिड पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमें इस एक्सियल लाइन के ऊपर चाहे हम यहां निकालना चाहें, चाहे हम यहां निकालना चाहें, हम मैग्नेटिक फील्ड जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार मैग्नेट ले लूंगा, ये इसके पोल्स आ गए, और पोल्स की स्ट्रेंथ मान लेता हूं दोनों की, डाइपोल में दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होती है, और ये आ जाएगी इसकी एक्सियल लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स इज नोन एज एक्सियल लाइन। मैं एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मान लूंगा, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे पी मान लूंगा, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के द्वारा। मान लेते हैं ये है हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल सी, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉइंट p के ऊपर पोल जो पॉइंट a के ऊपर है, इस पॉइंट a को मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं b। जो पोल a के ऊपर है, a पोल जो है उसके कारण हम पॉइंट p के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज इसको हम ले लें नॉर्थ पोल और इसको ले लें हम साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पी, इसको मैं मान लेता हूं B1, और ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पोल अपॉन अब डिस्टेंस, तो डाइपोल लेंथ जो रहती है वो हमारे पास रहती है 2a, तो C से लेके M का डिस्टेंस भी आएगा मेरे पास a, और इसी तरह से C से लेके जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास b, यानी दूसरा पोल जो साउथ पोल है उसका डिस्टेंस भी मेरे पास आएगा a। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और सी के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है यहां पे। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस सी से है मेरे पास है आर, ओके, और पोल से डिस्टेंस हमें पी और एम के बीच का डिस्टेंस लेना है, या पी और ए के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। तो पी और ए का डिस्टेंस क्या आएगा, आर माइनस ए। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास आर माइनस ए इसका स्क्वायर। अब इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल। नाउ बी ड्यू टू साउथ पोल, तो उसको मैं मान लूंगा बी 2, और ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन। अब यहां पे हमें डिस्टेंस चाहिए पी और बी के बीच में, तो P और B के बीच में हमारे पास डायरेक्ट तो कोई डिस्टेंस है नहीं है, पर हम इसको निकाल सकते हैं R प्लस A करके। तो मेरे पास आ जाएगा R प्लस A और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, और इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2।
अब जो पोल नजदीक है वो जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो पोल दूर दूर है। तो यहां पे दूर कौन सा पोल है? साउथ पोल है, जो कि पॉइंट बी के ऊपर है। तो साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो हम लेंगे बी टू, और ये बी टू आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। और आर प्लस ए क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां से? जहां पे साउथ पोल है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी टू जो है इट इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड बी वन, या हम उल्टा बोल सकते हैं बी वन इज ग्रेटर देन बी टू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे तो ये आ जाएगी मेरे पास B, और ये होगी B1 माइनस B2। तो हम यहां क्या करेंगे, B1 और B2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो B क्या आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो मेरे पास आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो अंदर मेरे पास बचा, और एम भी मेरे पास बाहर आ सकता है, एम भी कॉमन है तो एम को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वेयर। तो बी क्या आ गया मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू, यहां पे एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो है उनको खोल देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2 ए आर माइनस माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आना था, माइनस 2 ए आर आना था, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास माइनस ए स्क्वेयर, और यहां पे माइनस 2 ए आर आना था, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस 2 ए आर अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और इन दोनों का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब यहां देखते हैं क्या क्या कट रहा है, तो जो कटने वाले हैं आर स्क्वायर यहां नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ए स्क्वायर यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 ए आर प्लस 2 ए आर, तो मेरे पास आ जाएगा 4 ए आर। तो यहां आ जाएगा 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट हम क्या करेंगे, इस 4 ए आर जो है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम को भी अंदर ले जाते हैं, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 एम ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब 2 एम ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 2 एम ए होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल एम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू कैपिटल एम इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द
डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m एंड हैविंग डाइपोल मोमेंट कैपिटल m, वेयर r स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. पर अगर हम यहां पे कैलकुलेट करना स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं कि स्पेशल केसेस क्या है. स्पेशल केसेस तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी जो है वो डाइपोल से बहुत दूर हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर होगा, उस केस में क्या होगा. आर जो है वो ए से, डाइपोल लेंथ जो है उसका हाफ जो है ए, डाइपोल लेंथ की हाफ क्या है ए, डाइपोल लेंथ कितनी थी 2a, तो उसका हाफ क्या होगा ए. तो आर जो है यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस जो है वो डाइपोल लेंथ की हाफ से क्या होगा बहुत ज्यादा होगा. तो हम जो ये इक्वेशन थी हम इसमें क्या करेंगे ए जो है उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर. ए स्क्वेयर था आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर था, तो ए स्क्वेयर को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास बचा आर स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर. तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. मैं यहां इस 2 से इस 2 को काट रहा हूं तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास एम आर अपॉन आर रेज टू पावर 4 और एक आर से यहां कट जाएगा तो यह आ जाएगा 3. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर क्यू. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सेंटर ऑफ डाइपोल. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल. अगर हम सेंटर ऑफ डाइपोल पे निकालें तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे क्या होगा मेरे पास बी क्या था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 2. तो यहां पे सेंटर ऑफ डाइपोल होगा तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, मतलब आर क्या हो जाएगा 0. तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. ये आ गया हमें सबसे पहले सीखना होगा कि जो बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है. तो ये बार मैग्नेट के आगे 2 पोल, एक पोल आ गया N, दूसरा पोल आ गया S, पोल A जो है वो A पे है, दूसरा पोल S जो है वो B पे है और ये इसकी आ गई एक्सियल लाइन और इसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होगी वो इक्वेटोरियल लाइन को मैं ये बना रहा हूं. तो ये आ गई इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ डाइपोल से, सेंटर ऑफ बार मैग्नेट से पास करती है और मैग्नेटिक जो एक्सियल लाइन है उसके क्या होती है परपेंडिकुलर होती है. तो इस एक्सप्रेशन में हमें इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी आप कहीं भी निकाल सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी आप, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है. तो इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लूंगा, मींस एक बार मैग्नेट ले लूंगा. ये इसका नॉर्थ पोल आ गया, ये इसका साउथ पोल आ गया. नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ पोल पॉइंट ए के ऊपर है, साउथ पोल पॉइंट बी के ऊपर है. दोनों के जो डाइपोल लेंथ है वो है 2a और ये इसकी मैं मान लेता हूं एक्सियल लाइन है और इसकी इक्वेटोरियल लाइन आ गई ये जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करेगी. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा n से लेके या a से लेके c डिस्टेंस स्मॉल a होगा, दूसरा c से लेके b डिस्टेंस भी क्या होगा स्मॉल a होगा. तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पॉइंट p है, यहां पे ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के कारण कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट पी के ऊपर नॉर्थ पोल के कारण और फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट पी के ऊपर साउथ पोल के कारण.
तो नॉर्थ पोल के कारण जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी के ऊपर निकालेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी मेरे पास, इस तरह से हम निकालेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं मान लेता हूँ बी वन, और ये क्या आ जाएगी मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो पोल स्ट्रेंथ है एम, पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं एम दोनों पोल्स की जो कि इक्वल है, पोल स्ट्रेंथ आ गई एम अपॉन नॉर्थ पोल और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस। नॉर्थ पोल और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस, तो नॉर्थ पोल जो है पॉइंट ए के ऊपर है तो हमारे पास आएगा एपी, एपी और इसका स्क्वायर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और एपी निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल पी ए सी के पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एनसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एनसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। ओके, यहां पे एनसी हमारे पास है ए, इसका स्क्वायर आ गया सीपी। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम हमेशा लेते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से, कितना मानेंगे हम इसको, हम इसको मान लेते हैं आर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे एपी स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास एपी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बी वन क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको ले लूंगा मैं इक्वेशन नंबर। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू साउथ पोल विच इज एट पॉइंट बी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण है, तो हमने बोला था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब भी होता है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंड होती है, तो मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल के कारण, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आउटवर्ड बताई है, जबकि हमारी साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमारी ये आएगी टुवार्ड्स द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लूंगा बी टू, और ये आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पोल स्ट्रेंथ क्या है एम है। यहां पे भी क्या है जो डिस्टेंस होगा साउथ पोल का वो डिस्टेंस है बी पी, तो ये डिस्टेंसेस क्योंकि पॉइंट पी जो है वो दोनों ए और बी पॉइंट से दोनों से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा सेम आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं यहां लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द साउथ पोल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास बी वन और बी टू, इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनका मैग्नीट्यूड जो है, बी वन जो होगा इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा, बिकॉज दोनों क्या है एक दूसरे से, दोनों जो पॉइंट पी जो है वो नॉर्थ पोल से भी इक्वल डिस्टेंस पे और साउथ पोल से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा, अगर हम इनके एक्सप्रेशंस को भी देखें तो वी कैन नॉट, बोथ जो मैग्नेटिक फील्ड्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनकी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का है सेम है, तो सेम है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है पॉइंट पी के ऊपर दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के कारण क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स आई बी वन और बी टू, अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी रहेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा बी वन का वो इस तरफ को आ जाएगा, और इसका बी वन का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ को होगा, तो ये आएगा b1 cos थीटा, और ये आ जाएगा b1
साइन थीटा। इसी तरह से B2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी इसी तरफ को रहेगा, B2 कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ को होगा B2 साइन थीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट बिकॉज B1 इज इक्वल टू B2 साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे, हेंस दे विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो बचेगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है वो कट जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बी जो आएगी मेरे पास B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा। अभी हम क्या लिख देंगे, B1 लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा B1 कॉस थीटा प्लस B1 कॉस थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2B1 कॉस थीटा। अब B1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो 2 × B1 क्या है 4πm/r² + a² और साथ में क्या है कॉस थीटा। हम राइट एंगल ट्रायंगल्स देखेंगे, उनमें से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा जो होगा हमारा ये एंगल होगा थीटा, तो थीटा कॉस थीटा हमें निकालना है। तो कॉस थीटा निकालने, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूस हमने अभी निकाला a² + r² तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो मेरे पास आएगी 2 / base upon hypotenuse, बेस क्या था मेरे पास स्मॉल a था, हाइपोटेन्यूस क्या था a² + r², इसकी वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पे आएगा 2 μ0/4πm/a² + r² या r² + a² और ये होगा इसका √a/a² + r² अंडर रूट को मैं लिख सकता हूं raised to power 1/2। तो हमारे पास आ गया 2 μ0 4πm/a, यहां पर raised to power 1 है, यहां raised to power 1/2 है, बेस सेम होंगे, पावर एड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a² + r² raised to power 3/2। अब 2 × m × a होता है कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मेरे पास आ जाएगा μ0/4πM/a² + r² raised to power 3/2। तो ये आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2a एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। इसमें भी हम स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं कि पॉइंट P जो है इफ इट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल तो उस केस में क्या होगा, a² जो है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा r² raised to power 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में भी क्या आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं साथ में सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगला मेरा एक्सप्रेशन है कि हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टॉर्क फाइंड आउट किया था, तो उसी तरह से हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उसके अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट को रखेंगे, तो बार मैग्नेट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कितना टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे।
मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया, ये बार मैग्नेट का सपोज साउथ पोल आ गया, ये एक्सिस है, और ऐसे ढंग से हमने बार मैग्नेट को लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल आ गया। अब डेफिनेटली ये नॉर्थ पोल जो है इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, या हम उल्टा बोल सकते हैं ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस इस डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये फोर्स जो होगी क्या होगी, फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट जो है वो इस साउथ पोल की तरफ को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अच्छा, इसी तरह से ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो इस इन दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी और एंटी पैरेलल होंगी, फोर्सेस इक्वल होंगी और एंटी पैरेलल होंगी, जिसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और इस टॉर्क के कारण ये बार मैग्नेट जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फोर्स रहेगी हमारे पास ये होगी एम इंटू बी, पर यहां पे डायरेक्शन फोर्स की इधर को होगी, ये फोर्स यहां भी इक्वल रहेगी क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो ये भी क्या आ गई मेरे पास, एम इंटू बी, पर फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं, जिसके कारण इस बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो पहली फोर्स आ गई मेरे पास जो नॉर्थ पोल के पोल, वो फोर्स आ गई F1, ये आ गई M इंटू बी, और फोर्स ऑन साउथ पोल, ये फोर्स भी आ जाएगी मेरे पास M इंटू बी। फोर्सेस आर एंटी पैरेलल, ओके, एंड फोर्सेस के एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, इनके मैग्नीट्यूड सेम है पर है एंटी पैरेलल, इसलिए ये क्या करेंगी, क्या कंस्टिट्यूट करेंगी, एक टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगी, ठीक है। Therefore, they constitute a torque, and that torque is given by torque क्या होगा, I, either force और उनके बीच का perpendicular distance। तो either force, इनमें से कोई भी हम force ले लेंगे, और perpendicular distance भी हम देखते हैं कैसे आएगा, either force F और perpendicular distance हमारे पास N into K। तो ये डिस्टेंस हम बना लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेंगे के, तो ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल आ गया थीटा, क्योंकि ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो यहां से हम एन के जो है, एन के को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहां पे डाइपोल लेंथ है मेरे पास जो कितनी है, 2a है, डाइपोल लेंथ कितनी है, 2a है, यानी हमारे पास, तो यहां पे मेरे पास हाइपोटेन्यूस है 2a, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को इन्वॉल्व करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आती है वो होगी हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा निकालने के लिए, एन के निकालने के लिए मुझे यहां पे साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास एन के है और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास एन इन टू एन एस। तो यहां से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, सॉरी एन के निकाल सकता हूं, तो एन के मेरे पास आ जाएगा एन एस साइन थीटा और एन एस कितना है टू ए है, तो टू ए साइन थीटा आ जाएगा। तो एन के की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स एफ इंटू टू ए साइन थीटा। अब फोर्स है क्या हमारे पास एम इंटू बी, तो 2a और साथ में m, तो ये आ जाएगा मेरे पास कैपिटल M, साथ में आ जाएगा b और आ जाएगा साइन थीटा, तो टाउ आ गया एम बी साइन थीटा विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एट एन एंगल थीटा। अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, अब इसके स्पेशल केसेस को देखते हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट स्पेशल केस है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट के पैरेलल हो, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो उस केस में क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, तो उस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो टॉर्क क्या था एम बी साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो हमारे पास टॉर्क क्या आएगा उस केस में, टॉर्क जीरो। यानी कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अगर एंटी पैरेलल हो उस केस में भी क्या होगा, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा उस केस में, थीटा 180 आएगा, 180 जो है वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर हो, सेकंड है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसके अलाइनमेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में क्या होगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टाओ इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो टाओ आ जाएगा मेरे पास एम इंटू बी, और ये टॉर्क जो होगा इस टॉर्क को बोलेंगे हम मैक्सिमम टॉर्क। इस टॉर्क को कहेंगे हम मैक्सिमम टॉर्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कब अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर टॉर्क जो है कब जीरो होगा और कब मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क जीरो कब होगा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो तो टॉर्क जीरो होगा, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इससे रिलेटेड ही एक मेरे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कब, जब हमने किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो एक्सप्रेशन फॉर is
ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जिसके कारण क्या हुआ, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगा. अब टॉर्क के कारण, टॉर्क जब लगा तो डाइपोल जो है वो रोटेट हो रहा है, तो जब उसकी रोटेशन हो रही है तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, और वो वर्क जो होगा स्टोर हो जाएगा सिस्टम के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी. वही चीज हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले डायग्राम तो सेम ही है, वैसे ही है. एक डाइपोल ले लिया, ये इसकी एक्सिस एक्सियल लाइन आ गई डाइपोल की, इसको रखा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल थीटा. अब इसके ऊपर हमने कहा था कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये फोर्स एफ होगी, एम इंटू बी, और दूसरी फोर्स यहां इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी. और टॉर्क निकाला था हमने, टॉर्क हमारे पास आया था तो ये पॉइंट हमने लिया था के. तो जो हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं, तो टॉर्क हमने निकाल लिया, टॉर्क हमारे पास जब जैसे ही, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस कोई भी डाइपोल लेंगे उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो अगर उसको हम अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर दूं एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इसकी एक्सिस हो, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा डाइपोल इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा. टॉर्क लगने का मतलब डाइपोल रोटेट हो रहा है, मैग्नेट बार मैग्नेट रोटेट हो रहा है. रोटेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. जब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, हमें वही वर्क कैलकुलेट करना, और वही वर्क जो होगा स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे हम सबसे पहले कि जो टॉर्क हमने निकाला था अभी, टाओ इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम डाइपोल मोमेंट, बी साइन थीटा. अब यहां पे जो वर्क है स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उस स्मॉल वर्क को ले लेंगे हम डी डब्ल्यू, और ये डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं डी थीटा. तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स कौन सी है यहां पे, अब टॉर्क जो एक्ट एज फोर्स काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आ गई टाओ डी थीटा. अब यहां पे टाओ की वैल्यू पुट कर दो, एम बी साइन थीटा डी थीटा. मान लेते हैं कि हमारा डाइपोल जो है उसकी पोजीशन पहले ये एंगल था थीटा वन, और डाइपोल फिर यहां पे आ गया, डाइपोल कुछ इस तरह से आ गया, और उस समय उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, थीटा टू है. तो तब क्या होगा, तो टोटल वर्क जो आएगा फॉर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन से थीटा टू के लिए, तो वो आ जाएगा मेरे पास W इंटीग्रेशन थीटा वन से लेके थीटा टू, और डी W इंटीग्रेशन थीटा वन से लेके थीटा टू, और टॉर्क एम बी साइन थीटा डी थीटा. डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट होगा, फिक्स है डाइपोल का, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास एम बी जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा. तो ये बचा अंदर थीटा वन से लेके थीटा टू साइन थीटा डी थीटा. अब साइन थीटा जो होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास एम
बी, जो माइनस कॉस थीटा माइनस मैंने यहां लिख दिया, ये आ गया कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से लेके थीटा टू। यहां पे माइनस एम बी, अब थीटा की जगह अपर लिमिट, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन आ जाएगा, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क, और ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लेते हैं कि थीटा जो है, थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, पुट करेंगे तो W क्या आ गया मेरे पास, माइनस एम बी, थीटा टू क्या है, थीटा है तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होगा जीरो, तो मेरे पास क्या आएगा, ये W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, और ये वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U से, और ये आ जाएगा एम बी कॉस थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये वैसे फाइनल एक्सप्रेशन है, अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो U इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, तो मेरे पास क्या आएगा, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो सर विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ जो इट इज ए ह्यूज मैग्नेट, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट है। और चीज को उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड की हेल्प से, अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है उसको मैं किसी थ्रेड की हेल्प से ऐसे टांग देता हूं और इसको फ्रीली रोटेट कर देता हूं, तो कुछ समय के बाद ये मैग्नेट जो है ऑटोमेटिकली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और ये हमें बताएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, विच इज पॉसिबल, तभी हो सकता है ये मैग्नेट तभी रेस्ट पोजीशन में आएगा कि अगर इसके पैरेलल भी कोई मैग्नेट हो, और जिसका यहाँ पे कौन सा पोल हो, नॉर्थ पोल हो, यहाँ पे कौन सा, तो नॉर्थ साउथ जो ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ इसको, इसलिए मैग्नेट जो होगा वो रेस्ट पोजिशन पे आ जाएगा। तो और मैग्नेट जो, इसलिए उन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट है जिसका, और जो मैग्नेट है उस अर्थ के डायमीटर के अलोंग प्रेजेंट रहेगा। अगर हम, उन्होंने एक बात और कही कि अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी बार मैग्नेट की ड्रॉ करें तो हमें बीच में कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो न्यूट्रल पॉइंट हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैंसिल करेगी। तीसरा उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन का की रॉड ले लें और उसको अर्थ में हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर दबा दें, अगर उस रॉड को हम कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनको निकालेंगे तो वो जो रॉड है, सॉफ्ट आयरन की रॉड है, वो भी क्या होगी, वो मैग्नेट बन जाएगी। तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो सर विलियम गिलबर्ट ने, अर्थ जो है उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने तीन ऑब्जर्वेशंस करी। पहली ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि एक बार मैग्नेट को लो, धागे से बांधो और उसको घुमा दो और छोड़ दो, और कुछ समय के बाद आप ऑब्जर्व करो कि वो जो है वो मैग्नेट जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल है कि अगर उस मैग्नेट के नीचे, बिल्कुल नीचे, एक बहुत एक और मैग्नेट हो। तो वहां से हमने ये प्रूव किया, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो ह्यूज मैग्नेट है और उसके जो मैग्नेट है वो मैग्नेट उसकी एक्सिस के अलोंग होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करें किसी भी
बार मैग्नेट की, तो हमें बीच में कुछ न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, वो न्यूट्रल पॉइंट के में क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैंसिल कर देती। तीसरी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट आयरन पीस लें, किसी भी कोई पीस लें, उसको अर्थ के अंदर गाड़ दें कुछ महीनों के लिए, तो कुछ महीनों के बाद उसको निकालें, तो वो जो आयरन पीस होगा वो भी मैग्नेट हो जाएगा। तो ये वही है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म वाली बात आ रही है कि उस पीस के अंदर भी मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है जियोमैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म जो है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। तो जियोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती क्यों है, अभी तो हमने ये बताया कि कॉज क्या है। क्यों होगी, तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके इसमें स्टडी करते रहे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। और इनमें से एक साइंटिस्ट था, ब्रैकेट था, उसने कहा कि अर्थ के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो एटम का बना हुआ है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एटम जो होंगे उनके अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये चार्जेस उसके एटम्स रोटेट करेंगे, एटम रोटेट करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मींस रोटेट करता है, तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर करंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जिससे हमें यह पता चला कि अर्थ जो है अगर रोटेट कर रही है तो उसके एटम रोटेट करेंगे, एटम रोटेट करेंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव आयन, नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो रोटेट करेंगे। जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, जब करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दूसरा एक और था कि जो अर्थ जो है उसके अंदर, उसके कोर के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, मेटालिक फ्लूइड भरा हुआ है, और जैसे ही अर्थ जो है रोटेट करेगी तो मेटालिक फ्लूइड भी रोटेट करेगा, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो अर्थ के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तीसरी एक और थ्योरी थी कि अर्थ जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अर्थ के रोटेशन के साथ क्या होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ रोटेट करेगा। अर्थ जब एटमॉस्फेयर रोटेट करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अलग अलग थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, स्टडी हो रही है, जिसके हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आएं।